हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं टेक्सकोप यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में मैं एक और पैकेट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जिसमें कि निकलेगा स्लाइस कार्ड और उस स्लाइस कार्ड के आपको मैं सारे फीचर्स बताऊंगा। और उससे पहले एक मैंने वीडियो डाली थी, उसमें यूनी कार्ड के सारे फीचर्स के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में दोनों कार्ड को कंपेरिजन करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा कार्ड अच्छा है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा कार्ड लेना है। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इसके पैकेट के ऊपर और देखिए इसके अंदर क्या क्या पैकेट के अंदर आता है, फिर मैं बताता हूँ इसके सारे फीचर्स के बारे में। तो ये है इसका पैकेट, ये स्लाइस की तरफ से हमें रिसीव हुआ है। बाकी मैंने अपने नाम पर नहीं मंगाया, ये पापा के नाम पर है। मेरे पास एक यूनिक कार्ड है तो मेरे लिए वो इनफ है। बाकी मैंने स्लाइस कार्ड, ये देखो पैकेट में आपको दिखा देता हूँ, ये तीन चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। इसमें सबसे पहले देखे तो ये ग्रीन कार्ड है। ग्रीन कार्ड को पलट के देखते हैं तो यहाँ पर हेलो कार्ड है ये एक, इसको हम साइड में रख देते हैं। हमें एक कैशबैक के बारे में बताया गया इस ब्लू कार्ड के अंदर। स्लाइस कार्ड में 1/3 कार्ड है और एंजॉय डील एवरी वीक स्पार्क वाला ऑफर के बारे में इसके अंदर बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ स्टिकर देखने को मिलते हैं, ये सारे स्टिकर हम अलग अलग निकाल के कहीं पे चिपका सकते हैं। बाकी उसके बाद हमें मेन कार्ड यहाँ पर इस पैकेट के अंदर मिलता है, इसके अंदर लिखा हुआ है स्लाइस मेक नाउ एपिक वेलकम अब्रॉड ड्रीमर। ये हम इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं इस कार्ड को। इसमें कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है पुल हेयर, तो यहाँ से हम कार्ड को निकाल सकते हैं। तो इस पे ये तो काफ़ी सही चीज़ है, मतलब ये इतनी बढ़िया चीज़ बनाई है इन्होंने। पैकेट का जो इसका ओपन इंप्रेशन है ना, काफ़ी सही है। इसको अगर हम खोलते हैं तो ऐसा मन करता है इसको बस बार बार ऐसे खोलते ही रहो, बहुत मज़ा आता है इसे खोलने में। बहुत सही बनाया है देखने में। यहाँ से मैं ये कार्ड निकाल लेता हूँ, इस तरह से एक कार्ड है। एक ऊपर स्लाइस की ब्रांडिंग यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे एक चिप है और बाकी पीछे यहाँ पे कुछ इसके नंबर्स, और ये भी एक वीज़ा कार्ड है। तो वीज़ा कार्ड से मिलने वाले जितने बेनिफिट है वो सब आपको इस कार्ड में भी मिल जाएंगे। तो पैकेट तो इसका काफ़ी गजब का था, आपने देखा किस तरीके से इन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया हुआ है, काफ़ी सही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ही कार्ड में क्या क्या फ़र्क है, आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो यार बात ये है कि ये दोनों ही कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, दोनों ही कार्ड पे लेटर कार्ड हैं। और दूसरे नंबर पे जो स्लाइस कार्ड की आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है वो मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए तक मिल सकती है। दूसरी जगह अगर बात करें यूनिक कार्ड की, तो यूनिक कार्ड की आपको मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 6 लाख रुपए तक मिलती है। और तीसरा ये कि ये दोनों ही कार्ड 1/3 कार्ड हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्लाइस कार्ड के अंदर आप 1 से लेकर 3 महीने तक की EMI कन्वर्ट करा सकते हैं फ्री में, लेकिन इससे ज़्यादा की आप EMI अगर कन्वर्ट कराएंगे सेम 6 महीने की, 9 महीने की या 12 महीने की, तो इसमें आपको एडिशनल चार्ज देना होगा। लेकिन हाँ, 3 महीने से ज़्यादा की EMI कन्वर्ट आप इसमें करा सकते हैं, बस सिर्फ एडिशनल चार्ज देना होगा। यहाँ पर बात करें अगर यूनी की, तो यूनी में आप सिर्फ 3 महीने की EMI करा सकते हैं, नो कॉस्ट होंगी वो, लेकिन उससे आगे का फीचर उसमें अभी नहीं है। लेकिन ऐप में दिखा रहा है कि वो आगे आने वाले टाइम में इसको अपडेट करेंगे और 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने की EMI में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चौथा ये कि जब आपका इसमें महीने के लास्ट में स्टेटमेंट जनरेट होती है तो आपको उसको बिल पे करने के लिए स्लाइस कार्ड में सिर्फ 5 दिन मिलते हैं। और जहाँ बात करें यूनी कार्ड की, तो यूनी कार्ड में आपको स्टेटमेंट बनने के बाद 10 दिन का टाइम मिलता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है कैशबैक को लेकर। तो स्लाइस कार्ड में और यूनी कार्ड में, दोनों ही कार्ड में कैशबैक हमें देखने को मिलता है। स्लाइस कार्ड में हमें 2% का कैशबैक मिलता है पेमेंट करने पर, और यूनी कार्ड में आपको 1% का कैशबैक मिलता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ पर कि स्लाइस कार्ड में जो 2% का कैशबैक आपको मिलेगा उसके लिए कई सारी कंडीशंस हैं, वो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। और बाकी क्या है कि जैसे कि आप कोई शॉपिंग करते हैं, इसमें कम से कम 5 या 6 लाख रुपये तक की आप शॉपिंग करेंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स इसके अंदर मिलते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स के बेस पे ही आपको कुछ 2% का डिस्काउंट मिलता है। उसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि आपको इतने ऊपर तक लिमिट के अमाउंट तक आपको एक बिल पे जाना है, तब जाके आपको कुछ 2% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ बात करें यूनी की, तो यूनी में सिर्फ आपको 1% का कैशबैक आसानी से मिल जाता है। मान लो आप कोई भी शॉपिंग करते हैं और उसकी जब स्टेटमेंट आती है, अगर आप उसको एक साथ पे कर देते हैं तो आपको इंस्टेंटली 1% का कैशबैक मिल जाता है। मान लो आपने 45,000 की शॉपिंग करी और 45,000 रुपये एक साथ पे कर दिए, तो आपको सीधा सीधा 450 रुपये कैशबैक उसमें आपको कार्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्लाइस कार्ड में एक स्पार्क कैशबैक करके एक ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमैटो, इस तरह के काफ़ी सारी ऐप हैं उसके ऊपर, उसमें कुछ डिस्काउंट कूपन्स दिए गए हैं, जैसे कि आप 5 से लेकर 15% तक के वहाँ पे कूपन्स को यूज़ कर सकते हैं और कैशबैक का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये सारे जो फीचर हैं ये यूनी कार्ड में आपको नहीं मिलते हैं। वहाँ पे इस तरह का कोई ऑनलाइन मर्चेंट वाला कैशबैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें इसको अप्लाई करने की, अगर आपको स्लाइस कार्ड को अप्लाई करना है तो स्लाइस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको 18 साल का होना जरूरी है। उससे कम एज में अगर आप होंगे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर यूनी की, तो यूनी कार्ड में आपको 21 साल का होना जरूरी है, तब जाके आप
आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो फीचर स्लाइस कार्ड में है वो क्या है कि जो आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है स्लाइस कार्ड के अंदर, उस क्रेडिट लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस पर कुछ आपको एडिशनल चार्जेस पे करने होंगे जो कि बैंक की तरफ से लगेंगे। आपको वो करते टाइम उसी टाइम दिखा देगा कि आपको कितने परसेंट तक का वहाँ पे चार्ज लग रहा है। हो सकता है 10-15% तक या 20% तक का इंटरेस्ट चार्ज उस पर लगे, ये आपको करते टाइम पता चल जाएगा। बाकी यूनिकार्ड में ऐसा अभी कोई फीचर नहीं है कि आप अपना जो क्रेडिट लिमिट है उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो इस पॉइंट को देखते हुए तो मुझे स्लाइस कार्ड काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि इसमें आप अपनी क्रेडिट लिमिट को बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों ही कार्ड की ऐप को आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। iOS पे भी ये ऐप अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी ऐप आपको मिल जाएगी। और ये दोनों ही कार्ड डिजिटली और फिजिकली आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही कार्ड आपको ऑफलाइन भी वर्क करेंगे और इनको आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब यूनिक कार्ड को अप्लाई किया था उस टाइम मुझे कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आई थी ऐप में, लेकिन जब मैंने अप्लाई करने के बाद उसको थोड़ा सा यूज़ करना शुरू किया, उसके फंक्शंस को थोड़ा सा चेक किया मैंने, तो उस टाइम मुझे वहाँ पर थोड़ा सा लैग देखने को मिले थे यूनिक कार्ड की ऐप में, जिसके लिए मैंने उनको एक मैसेज भी किया था। उनकी तरफ से एक व्हाट्सएप पॉपअप आता है कभी कभी, तो वो आ रखा था। मैंने उस चीज़ के लिए उनको बोला भी था कि ऐप थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिक्कत करती है। उन्होंने बोला कि हाँ, इस पर काम चल रहा है, ये बीटा वर्जन है थोड़ा, तो अभी इम्प्रूव हो रही है, ये ठीक हो जाएगी। बाकी स्लाइस कार्ड को जब मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम उसके अंदर मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। बाकी आगे यूज़ करते हैं तो करते करते पता चल जाएगा कि अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी दिख जाएगी। और इन दोनों ही कार्ड में अभी कोई ज्वाइनिंग फ़ी या कोई एनुअल फ़ी अभी तक नहीं है, लेकिन हो सकता आने वाले टाइम में इनकी ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी भी ये इसमें लगाना शुरू कर दें। अभी तक तो नहीं है, तो आप इसमें फ्री का मजा ले सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट आता है कि आप इसमें ATM से पैसे निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से किसी भी कार्ड से आप ATM से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन स्लाइस कार्ड में आपको बैंक में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाता है। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको चार्जेस देने पड़ेंगे वहां पर। तो बात करें अगर रेफरल कैशबैक की, तो अगर आप स्लाइस कार्ड को किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं और वो ऐप को डाउनलोड करके उस कार्ड के अंदर फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेता है, तो आपका कुछ ना कुछ कैशबैक देखने को मिल जाता है। हो सकता है 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का आपको कैशबैक वहाँ पे देखने को मिले, लेकिन यही चीज़ यूनिकार्ड में नहीं है। यूनिकार्ड में अभी तक कोई रेफरल का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर आप किसी फ्रेंड को रेफर करके कोई कैशबैक नहीं ले सकते। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही कार्ड के सारे फीचर के बारे में लगभग बता दिया है, दोनों में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सा फीचर किस कार्ड में बढ़िया है, किस में नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सा कार्ड बढ़िया है। बाकी अगर वीडियो यार अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।